बच्चों की आंगनबाड़ी तक, और आंगनबाड़ियों में 1000 मीट्रिक टन बट गया, ये आपको तीनों जगह मैनेज करके चलना है, और तीनों में से भी अगर एक जगह आपने मैनेज नहीं किया तो वहां पे चोरी पकड़ी जाएगी। अब यहां क्या हुआ, जहां प्रोडक्शन होता है, जिन फैक्ट्रियों में कहा गया कि यहां पे 1000 मीट्रिक टन, मैंने उदाहरण दिया है, यहां पे 1000 मीट्रिक टन बनाया गया, यह पता चला कि उन फैक्ट्रियों की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना अनाज जो है 45 मील जो है वो बना सके, इतना फूड जो है वो प्रोसेस कर सके, नंबर एक। दूसरा, कोई भी फैक्ट्री चलेगी दोस्तों तो वो बिजली लेती है, ये ऑडिट का एक सबसे साधारण नियम है कि आप उसकी बिजली की कंजम्पशन से नापते हैं कि वो फैक्ट्री चली या नहीं चली, तो उसकी जो बिजली कंजम्पशन है वो बता रही है कि वो फैक्ट्री चली नहीं, उस फैक्ट्री में इतनी कंजम्पशन बिजली की करी नहीं कि वो इतना मीट्रिक टन अनाज जो है फोर्टिफाइड जो फूड है वो प्रोड्यूस कर सके, वो हुआ ही नहीं, नंबर एक पे चोरी पकड़ी गई। अब नंबर दो है कि वो अनाज और जो फोर्टिफाइड फूड है वो उन फैक्ट्री से आंगनवाड़ियों तक ट्रकों द्वारा ढोया गया, उसकी जब जांच हुई तो पता चला जो ट्रकों के नंबर थे वो जांच में पता चले वो मोटरसाइकिल स्कूटर कार पानी के टैंकरों के नंबर है, तो इस जांच में भी पकड़े गए शिवराज जी, दूसरे में भी। अब तीसरी चीज है जहां पे आपने बांटा कि भाई किनको बांटा, लाभार्थी कौन है। अब लाभार्थियों के अंदर भी जो डेटा है वो बड़ा चौंकाने वाला है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो कहता है आउट ऑफ स्कूल एडोलसेंट गर्ल्स, ये जो लड़कियां हैं जो स्कूल से निकली, इन्होंने स्कूल छोड़ दिया, वो 2018-19 में 9000 है, ये स्कूल का डेटा है, जिनको पता है कि हमारे स्कूल से कितनी लड़कियां निकली। और जो इस डिपार्टमेंट ने, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट ने अपनी बिना सर्वे किए जो जानकारी दी और एस्टिमेट लगाया, वो लगाया 36,08,000 बच्चे। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट कह रहा है कि लड़कियां 9000 हैं, और जिस डिपार्टमेंट ने राशन बांट दिया वो डिपार्टमेंट कह रहा है 36 लाख लड़कियां थी। तो ये तीसरा चरण है, जहां प्रोड्यूस हुआ वहां चोरी पकड़ी गई, जहां माल की ढुआई चली वहां चोरी पकड़ी गई, जहां बांटा वहां चोरी पकड़ी गई, तीनों जगहों पे मध्य प्रदेश के ऑडिटर जनरल ने चोरी पकड़ ली। 2500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, 8 डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में 50 डिस्ट्रिक्ट हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुझे बताया गया 24% जगहों पे सैंपल लिया गया, इसका मतलब लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट का 24% लगा लो तो 2 डिस्ट्रिक्ट, और 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये 150 करोड़ का बताया जा रहा है मामला, तो अगर 50 डिस्ट्रिक्ट हो गए तो सीधा 1000 करोड़ का, ये ज्यादा हो गया, 150 × 50।